चलिए जयपुर से एक बड़ी खबर आपको बता दें। मतगणना से पहले प्रत्याशियों को बचाने में जुटी कांग्रेस। असम कांग्रेस ने सहयोगी दल के विधायक प्रत्याशियों को किया जयपुर शिफ्ट। असम कांग्रेस के सहयोगी दल AIUDF विधायक प्रत्याशी पहुंचे हैं जयपुर। AIUDF के करीब 1.5 दर्जन विधायक प्रत्याशी पहुंचे हैं जयपुर। एयरपोर्ट से फेयरमाउंट होटल ले जाया गया सभी विधायक प्रत्याशियों को। इसमें कुछ निवर्तमान विधायक भी हैं शामिल। बाड़ाबंदी को लेकर महेश जोशी और रफीक खान को ये जिम्मेदारी दी गई है। AIUDF है असम में क्षेत्रीय दल। तो चलिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता दिनेश कसाना सीधे जुड़ चुके हैं। दिनेश, जयपुर में एक और बाड़ेबंदी और ये जो जिम्मेदारी दी गई है एक बार फिर से महेश जोशी को दी गई है, कितने विधायक इस वक्त मौजूद हैं फेयरमाउंट होटल में? देखिए, 126 सीटों के लिए असम में 3 चरणों में मतदान की प्रक्रिया है वो पूर्ण हो चुकी है और कांग्रेस ने जो सहयोगी दल हैं उनके जो प्रत्याशी थे उनको अब शिफ्ट करने के लिए पूरी प्रक्रिया शुरू कर दी है। आज कांग्रेस के जो सहयोगी दल है असम में AIUDF ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक यूनाइटेड फ्रंट, उनके जो प्रत्याशी थे उनको जयपुर में शिफ्ट कर दिया गया है और होटल फेयरमाउंट में उनको जयपुर लाया गया है। करीब 20 जो कांग्रेस के नेता हैं उनके सहयोगी दल AIUDF के जो कांग्रेस विधायक प्रत्याशी थे उनको जयपुर लाया गया है और यहां पर होटल फेयरमाउंट में फिलहाल उनको शिफ्ट किया गया है। कहीं ना कहीं खरीद फरोख्त से बचाने के लिए, जिस तरह से पहले कई राज्यों में ऐसा हो चुका है, तो इसलिए कांग्रेस फूंक फूंक कर कदम रख रही है। चुनाव परिणाम चूंकि 2 मई को मतगणना होगी और उससे पहले किस तरह से अपने विधायकों को सुरक्षित रखा जाए क्योंकि किसी प्रकार की कोई खरीद फरोख्त ना हो, तो इसके बचाव के लिए तमाम जो विधायक प्रत्याशी थे उनको जयपुर लाया गया है। पहले AIUDF है, 20 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, तो उनके जो विधायक प्रत्याशी हैं उनको करीब 16 विधायक प्रत्याशी AIUDF के वो उनको जयपुर लाया गया है और होटल फेयरमाउंट में शिफ्ट कर दिया गया है। तो चुनाव परिणाम जब तक 2 मई को चुनाव परिणाम आएंगे तब तक तमाम विधायक प्रत्याशियों को यहां पर रखा जाएगा ताकि किसी प्रकार की कोई खरीद फरोख्त ना हो। और जिस तरह की जानकारी सूत्रों के हवाले से मिल रही है कि 2 मई से पहले जो कांग्रेस के विधायक प्रत्याशी हैं वहां पर जिन्होंने चुनाव लड़े थे, कांग्रेस पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी थे, उनको भी जयपुर शिफ्ट किया जा सकता है। अमित, शिफ्ट किया जा सकता है, कब तक किया जा सकता है? क्योंकि यहां पर सहयोगी जो दल है उनके विधायकों को यहां पर शिफ्ट कर दिया गया है और आप जिस तरीके से बता रहे हैं सूत्रों के अनुसार जानकारी यह भी मिली है कि जो विधायक है कांग्रेस के उनको भी शिफ्ट किया जा सकता है, कब तक, इस बारे में कुछ जानकारी मिल पाई आपको? बिल्कुल, देखिए 3 चरणों में 126 सीटों के लिए मतदान की प्रक्रिया है वो पूर्ण हो चुकी है और मतदान के पश्चात जो AIUDF है कांग्रेस का सहयोगी दल उनके जो विधायक प्रत्याशी थे उनको होटल फेयरमाउंट का नजारा मैं आपको दिखाना चाहूंगा। एक बार यहां पर शिफ्ट किया गया है। कुछ देर पहले ही मुख्य सचेतक महेश जोशी, उनको मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से पूरी जिम्मेदारी दी गई है और महेश जोशी तमाम जो विधायक प्रत्याशी हैं उनको लेकर यहां पर पहुंचे हैं। कांग्रेस के AICC के सेक्रेटरी हैं वो भी यहां पर उनको लेकर यहां पहुंचे हैं और पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था के बीच यहां पर लाया गया है और ताकि चुनाव के बाद किसी तरह की कोई खरीद फरोख्त ना हो और 2 मई को जब परिणाम आएंगे तब तक इन विधायक प्रत्याशियों को यहां पर रखा जाएगा। तो इस दिशा में चूंकि अब कांग्रेस के जो विधायक प्रत्याशी हैं उनको भी अब जल्द ही जयपुर शिफ्ट किया जा सकता है, लेकिन अभी तक कब किया जाएगा ये कोई तय नहीं है। अभी जो सहयोगी दल है उनके जो विधायक प्रत्याशी हैं उनको जयपुर लाया गया है और उनको यहां पर शिफ्ट कर दिया गया है। अब चुनाव परिणाम तक इनको यहीं पर रखा जाएगा। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो हमारे संवाददाता दिनेश कसाना हमें ताज़ा अपडेट दे रहे थे कि असम में जो चुनाव जिस तरीके से होने वाले हैं उसको लेकर यहाँ पर कांग्रेस ने पहले से जो अपनी तैयारियां हैं वो शुरू कर दी हैं और जो सहयोगी उसका जो दल है उसके तमाम जितने भी विधायक हैं उन्हें फेयरमाउंट होटल में शिफ्ट किया गया है।